तुम्हारी सेवा। फिर मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, फिर मैं तो चित्तणु श्रीनाथ जी ना चरण धरूं और जीवन सफल करूं। दो कौड़ी का लगा उस बादशाह का दरबार, श्रीनाथ जी के दरबार के इस चाकर को, इस किंकर को। निगाहे फक्र में शाने सिकंदरी क्या है? किसी ने कहा है, हम फकीरों से दोस्ती करके देखो, हम फकीरों से दोस्ती करके देखो तुम्हें गुर सिखा देंगे बादशाही के। फकीर जानता है, उसी के पास बादशाहत है, वस्तुत है। बादशाह ने कहा, आपकी बड़ी तारीफ सुनी है मैंने, कुछ सुनना चाहते हैं आप, सुनाइए। पहले तो कुंभन दास जी के मन में बड़ी ग्लानी हुई कि जो कंठ, जो भाव, जो वस्तु श्री ठाकुर जी की हो। हमारे यहां श्री ठाकुर जी को जो वस्तु निवेदन की जाती है उसे क्या कहते हैं जानते हैं आप लोग? अच्छा पहले बताओ, कितने लोग अपने घर में भगवत सेवा करते हो? हाथ ऊंचा करके बताओ। बाकी नहीं करते? चलो इस विषय पर आगे चर्चा होगी। तो जो सेवा करते हैं वो जानते हैं कि जो श्री ठाकुर जी को निवेदन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अमनिया, माने जो वस्तु बिल्कुल अस्पर्श हो, किसी की दृष्टि भी ना पड़ी हो उस पर, वो वस्तु प्रभु को निवेदन की जाती है। तो कुंभन दास जी का जो जो भाव है वो तो श्री ठाकुर जी की वस्तु है। कुंभन दास जी का गुण, कुंभन दास जी की कला, कुंभन दास जी का वो भाव माधुर्य, वो तो श्री लाल जी को निवेदन करने के लिए है, वो तो श्री कृष्ण का धन है। आज उसे इस बादशाह के सम्मुख कैसे निवेदन कर दूं? पर बादशाह की हट है कि कुछ सुनाओ, इसीलिए आपको बुलाया है। अब कुंभन दास जी ने मन में विचार किया, बड़ी झुंझलाहट हुई कि आज बादशाह के सामने गाना पड़ेगा। और कुंभन दास जी ने गाना आरंभ किया और वो जो हृदय की जो झुंझलाहट थी, हृदय की जो खीज थी, मन का वो जो क्रोध था, भाव जो भावनात्मक ग्लानी थी, वो सब की सब कुंभन दास जी के गान में प्रकट हो गई। बड़े अद्भुत स्वर से कुंभन दास जी ने पद रचा और उसी समय बादशाह को सुनाया। कहा सीकरी काम भगत को, कहा सीकरी का आवत जात, पन्हैया टूटी आवत जात, पन्हैया टूटी बिसर गयो हरि नाम भगत को, कहा सीकरी का। बीरबल को चिंता हुई कि कुंभन दास जी क्या गा रहे हैं, और बादशाह तो उस राग के रंग में, उस स्वर की माधुरी में डूबा, वाह 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 किए जा रहा है। अब बीरबल ने सोचा कि जब ये पद पूरा होने के बाद अकबर पूछेगा कि जो गाया इसका मतलब बताओ, तो बोले आफत तो तब पड़ेगी। और कुंभन दास जी यही नहीं रुके, आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरि नाम भगत को, कहा सीकरी का जाको मुख देखे दुख लागे, जाको मुख देखे दुख लागे, ताको करनी परी प्रणाम, कहा सीकरी
कुंभनदास लाल गिर घर बिन कुंभ जाको मुख देखे दुख लागे ताकू करनी परी प्रणाम। और कुंभन दास लाल गिरिधर विन सब जग झूठो दाम कहा सीकरी काम भगत को। और वही हुआ जिसका बीरबल को डर था। जैसे ही राग पूरा हुआ कुंभन दास जी का गाना समाप्त हुआ तो बोले बीरबल बहुत खूबसूरत गाया पर क्या गाया ये बताओ। अब बीरबल लगे बगले झांकने कि भाई अगर मैं सच कहता हूं तो कुंभन दास जी पर गाज गिरेगी बादशाह की। ये बेचारा भगवान का भक्त मीलों चल के आया बादशाह को गीत सुनाने गान सुनाने। अब बीरबल को जब भ्रम में देखा संकोच में देखा अकबर ने तो अकबर ने ऊंची आवाज में कहा कि बीरबल सुना नहीं तुमने बताओ क्या गाया इसने और आवाज बुलंद बताओ केवल मुझे नहीं सारे दरबार को बताओ कि इसने क्या गाया। बोले आवाज बुलंद बताया जाए क्या गाया इस गवैये ने। तो बीरबल ने अब बेचारा मरता क्या ना करता तो बीरबल ने उस पद का अर्थ बादशाह के सन्मुख ज्यों का त्यों रख दिया कि ये कह रहे हैं जाको मुख देखे दुख लागे जाने कौन सा पाप कर्म उदय हुआ जो आपका दर्शन हुआ और ताको करनी परी प्रणाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिन सब जग झूठो दाम भगत को कहा सीकरी का। बोले हम श्री ठाकुर जी के चरणों के चाकर हमारा इस राज दरबार से और हमारा इस शान शौकत से क्या लेना देना। हम तो उनके चरणों के किंकर हैं संतन के पनही को रक्षक कहाऊं। हम तो वो हैं जो जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को। हम तो वो हैं जिनकी एक एक श्वास बस यही याचना करती है अहो विधना तो पे अचरा पसार मांगो जन्म जन्म दीजे यही ब्रज बसी वो अहीर की जात समीप नंद घर घड़ी घड़ी श्याम मुख हेर हेर हसी वो। वृंदावन के सब रसिक संतों का एक भाव उनकी उनकी भाव भावना अगर स्थाई भाव कोई देखना चाहे इस उपासना का तो वो बस यही आपको मिलेगा। वृंदा विपिन बसो श्री स्वामिनी वृंदा विपिन बसो श्री स्वामिनी छाड़ जगत की बाधा अब तो कृपा करो श्री अब तो कृपा करो श्री राधा कृपा करो श्री राधा अब तो कृपा करो श्री राधा अब तो कृपा करो श्री राधा।
सुर नर मुनि गावत यावन की महिमा अमित अगाधाराधा महिमा अमित अगाधा नागरिया पे नेक धरो तो नागरिया पे नेक धरो तो सुख साधा अब तो कृपा करो श्री राधा 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 प्राण जाए पर ब्रज भूमि न छूट जाए वृंदावन की रज से वंचित ना हो जाए इसीलिए एक एक श्वास इस रस के उपासक की बस यही कहती है श्री राधा 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 जैसे कुंभन दास जी ने उस बादशाह के दरबार में जाकर मन की ही तो बात कह दी ऐसे ही हम भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं कहीं से बात का आरंभ कर दें लेकिन बात विश्राम यहीं पर आकर पाती है श्री राधा 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 शायद परिचित नहीं है इसलिए आपसे बता दूं कि हमारी श्री जी का नाम लेने का एक अदब है जैसे आप लोग ले रहे हैं ऐसे नहीं लिया जाता ये वो नाम है जिसके लिए आचार्य चरण की वाणी है अनुलिख्यानंतानपि सत महत्परादान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस्तव परम देयम विमृशति कि कोई एक बार इस नाम का उच्चारण करे तो श्याम सुंदर ये विचार करने लगते हैं कि इसने मेरा इतना बड़ा हित संपादन किया है क्या है मेरे पास जो इसे देकर इसके इस प्रेम भरे भाव का प्रत्युत्तर दूं ये दो अक्षरों की परा विद्या लाडली राधा किशोरी राधा बात पे मत जाना मेरे जैसे बात बनाने वाले आपको जीवन में जाने कितने मिलेंगे इसीलिए मेरी बात पे न जाना हो सके तो इस प्रेम की उल्टी धारा में बह के देखना खुसरो दरिया प्रेम का और उल्टी वा की धार उल्टी धार माने धारा माने खुसरो दरिया प्रेम का और उल्टी वा की धार जो तैरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार लाडली राधा किशोरी राधा लाडली
अभी भी मैं देख रहा हूं पीछे कुर्सी पे कोई कोई ऐसे ही बैठे। मैं पूछ रहा हूं, जवाब देना भले मत देना, मुझे नहीं चाहिए, कि वहां उस पार मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू पे जाओगे क्या? वो नहीं लेके जाएगी वहां। श्री राधा 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 राधा। लाडली सेवा में दीजो किशोरी वृंदावन दीजो, बता तो दिया लेकिन परिणाम बिल्कुल विपरीत सामने आया जो बीरबल ने सोचा था, कि अकबर दंडित करेगा कुंभन दास को। पर अकबर उठा अपने तख्त से, अपने सिंहासन से उठकर गया कुंभन दास जी के पास कि मैं बादशाह अकबर, जिसकी एक तिरछी नजर होते ही बड़े बड़े राजा रख देते हैं अपना सब वैभव मेरे कदमों में, भयभीत हो जाते हैं मेरे भय से, उस बादशाह के दरबार में तुमने आकर जो ये सच कहा है, सच कहने की ताकत केवल सच कहने की ताकत केवल सच्चे के ही पास में होती है। झूठा व्यक्ति सच कह भी दे तो भी उसके शब्द में वो बल नहीं होता, उसकी वाणी में वो सामर्थ्य नहीं होती। एक साधु कहता है और प्रभु को प्रकृति के नियमों का अतिक्रमण करते हुए, प्रकृति की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए भी उस साधु की बात का मान रखना पड़ता है। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। और एक व्यक्ति है वो जीवन भर अनर्गल प्रलाप करता है और दूसरा तो कौन सुने बाप, अपना ही मन नहीं सुनता। दूसरा तो कोई क्या सुनेगा और क्या मानेगा, अपना ही मन नहीं सुनता। और मैं तो कहता हूं सब प्रवचन हो जाए, सब उपदेश हो जाए, आप सबसे बड़ी गंगा में नहा लो जो आप अपने मन के गुरु बन जाओ, जो आपकी बात आपका मन मानना आरंभ कर दे, आप अपने मन को उपदेश देना सीख जाओ। कभी कभी यूं ही हमने अपने दिल को बहलाया है और जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। यह आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए है, औरों को समझाया। और बड़ी विडंबना है ये जीवन की, कटु सत्य है कि सुनने को सारा संसार बैठा है और अपना ही मन नहीं सुनता। और कोई सच्चा साधु, कोई सच्चा साधक इस प्रेम के पथ का पथिक वो किसी से नहीं कहता, केवल अपने मन से कहता है और सारा संसार उसकी बात सुनता है। और केवल सुनता नहीं, मानता है, और मानता नहीं उसकी बात को मानकर वो उसको जानता है। संत की बात सीढ़ी बनकर आती है जीवन में, आपको आरोहण कराती है वो उस स्तर तक जहां पर पहुंचकर आप उस सत्य से परिचित हो जाते हैं।
अकबर ने कहा कि तुम सच्चे फकीर हो, इसीलिए बेखौफ हो। सच्चा व्यक्ति ही निर्भय होता है। इस संसार में भय रहित कौन है? जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आ। सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जो सच बोलता है वो सबसे बड़ा तपस्वी है। और एक और छोटी सी बात मैं आपसे निवेदन कर दूं कि आपके जीवन में केवल सत्य का प्रयास नहीं, सत्य प्रयास से नहीं आएगा, सत्य आपको भिक्षा में नहीं मिलेगा कि आप आज आकर किसी से आशीर्वाद मांग लें, बोले महाराज कृपा करें और हम सच बोलने लगे। ये आपको भिक्षा में मिलने वाली वस्तु नहीं है। केवल प्रयास अपेक्षित नहीं है, इसके लिए आपको अपने जीवन में आग्रह लाना पड़ेगा। आज तक गाते हैं हम, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। क्या था उसके जीवन में? उसके जीवन में सत्याग्रह था, सत्य का आग्रह। और सत्य का आग्रह ही आपको परतंत्रता से मुक्त करता है, सत्य का आग्रह ही आपको स्वतंत्र करता है इन संसार के जाने बूझे और अनबूझे बंधनों से जिन्होंने आपको बांध लिया है, बांध रखा है। आप स्वतंत्र से प्रतीत होते हैं लेकिन आप स्वतंत्र हैं नहीं। आप अभिव्यक्ति में स्वतंत्र नहीं है, आप विचार में स्वतंत्र नहीं है, आप चेष्टा में स्वतंत्र नहीं है, आप विचार में कहां स्वतंत्र हैं? आप जब चाहें तब बैठकर प्रभु का स्मरण कर लें, ऐसी स्वतंत्रता कहां है आपके हमारे पास? मन परतंत्र ही तो है, बंधा ही तो है, कहीं संबंधों में, कहीं विचारों में, कहीं व्यक्तियों में और कहीं वस्तुओं में। सत्याग्रह स्वतंत्र करता है, सत्य का आग्रह। लेकिन ये होगा कहां? जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आ। आपको ऐसा मालूम पड़ता होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि क्या क्षति हो गई अगर हमने छोटा सा झूठ बोल दिया तो, क्या 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 क्षति हो गई, छोटा सा असत्य हमने कह भी दिया तो किसी की कोई हानि नहीं हुई? आपकी वाणी का बल गया, आपके शब्दों की ऊर्जा चली गई, आपका मन मैला हो गया, आपके भीतर एक प्रकार की दुर्बलता आती है बार बार असत्य भाषण करने से। एक प्रकार की दुर्बलता आपके जीवन में आ जाती है, आप धर्म को धारण करने योग्य नहीं रहते। कभी आपने ऐसा विचार किया है कि जीवन में थोड़ी सी प्रतिकूलता आते ही आप क्यों भयभीत हो जाते हैं, क्यों आपका विश्वास डगमगा जाता है, क्यों थोड़ी सी प्रतिकूलता आपको प्रभु का आश्रय छुड़ाकर किसी अन्य आश्रय लेने पर विवश कर देती है? थोड़ी सी प्रतिकूलता जीवन की, क्योंकि विश्वास को धारण करने के लिए सत्य और सदाचार का बल चाहिए, भगवत विश्वास को धारण करने के लिए। जीवन भर उपासना, जीवन भर साधना करने के बाद कोई साधक क्या कमाता है? क्या कमाई है एक साधक की? एक विश्वास ही तो अर्जित करता है वो, जिसके बिना बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवई न राम। और विश्वास हो तो, अभी मैं कुछ देर पहले निवेदन कर रहा था आपसे, भरोसा हो तो हाथ में आई जल की बूंद भी चरणामृत है, और भरोसा नहीं तो चरणामृत भी जल जैसा है। भरोसा हो तो गुरु का एक शब्द मंत्र है, और भरोसा नहीं तो गुरु के मुख से निकला मंत्र भी शब्द का एक समूह मात्र है। आप व्यर्थ गमा देंगे उस ऊर्जा को। हमारे वृंदावन में एक बड़े भावसिद्ध महात्मा हुए, पंडित रामकृष्ण दास बाबा, गौड़िया संप्रदाय के संत थे, और बड़ी अद्भुत मूर्ति, भजन का वैभव प्रकट था उनके जीवन में। सदाचार सद्गुण जो एक संत में होना चाहिए वो मूर्त रूप से उनमें विद्यमान। कि शिष्य किसी को बनाते नहीं थे, गुरु वो सबके थे, लेकिन शिष्य किसी को बनाते नहीं थे, मंत्र शिष्य उन्होंने किसी को नहीं किया। तो एक ब्रजवासन उनके पास में सत्संग के लिए कभी कभी आया करती थी अपने पति के संग में। तो एक दिन बोली, बोली बाबा मैं कौन सा मंत्र जपूं? तो बाबा बोले, कौन संप्रदाय की है तू? बोली बाबा मैं तो बल्लभ कुल की हूं। तो बाबा ने कहा, बल्लभ कुल में तो एक ही मंत्र जपो जाए, श्री कृष्ण शरणम मम, तो तू सोई जपो कर।
बोली बाबा वो मंत्र मैं ना जप सकूं। बोले क्यों? बोली बाबा वहां में तो चंपो के चाचा को नाम आवे, तो वो मंत्र तो कैसे जपूं मैं। तो बाबा ने कहा अच्छा तो मुंह पे तो पूछ रही है, मेरी बात पे तो पूरा भरोसा है। बोली बाबा पूरा भरोसा है आपकी बात पे, आप जो कह दोगे सो ही जप लेंगी। तो बाबा बोले अच्छा चंपो के चाचा शरणम मामा ये तो जप सके। बोली ये तो बाबा खूब जप लेंगी। तो बाबा बोले अब तू यही जपियो कर। बोली बाबा बस मेरी एक इच्छा है कि एक तो मेरा शरीर एकादशी के दिना छूटे और वृंदावन धाम में छूटे। बाबा ने कहा तेरो मनोरथ पूरा होएगो, बस तू यही मंत्र जपती रही। अब कोई बुद्धिमान व्यक्ति तो ये विचार करे क्या मंत्र हुआ चंपो के चाचा शरणम मामा, क्या मंत्र हुआ। लेकिन उस भोली भाली उस सरल मना उस ब्रजवासिन ने उस दिन से श्वास श्वास से इसे गुरु के मुख से निकली आज्ञा मानकर इसी को जपना आरंभ किया। और संत लोग उसकी बात करते हैं कि उसके दोनों मनोरथ पूर्ण हुए, उसका शरीर एकादशी को छूटा और वृंदावन धाम की पावन भूमि पर छूटा। विश्वास है जन्म जन्मांतरों की साधना के बाद भी अर्जित क्या किया जाता है, विश्वास ही अर्जित किया जाता है। प्रभु से जो आपका संबंध है उसके प्रति आपका विश्वास, उसके प्रति आपका आदर जग जाए। उद्भट पराक्रमी एक से एक शूरवीरों की वो सभा जिसमें आकर अंगद ने अपना पैर जमाया और क्या घोषणा की, सकही जो सठ को मम पद टारी फिर ही राम सीता में हार। बोले मैं सीता को हार के चला जाऊंगा, हम सब लौट जाएंगे अगर कोई आकर मेरा पांव हिला दे तो। और जब अंगद लौट कर आए तो सबने कहा बोले ये तुमने क्या किया, तुम जानते हो सभा में कौन बैठा था, कैलाशपति समेत कैलाश को उठाने वाला रावण, क्या कठिन था तुम्हारे पांव को हिला देना। तो अंगद ने बड़े विनम्र भाव से कहा, बोले प्रभु हनुमान जी से कहा, सुग्रीव से कहा, जामवान से कहा, बोले कि मेरा पांव तो रावण की सभा में खड़ा एक साधारण सा सैनिक भी हिला देता, ये बात मैं जानता हूं। मैं जानता हूं वो कितने शूरवीरों की सभा थी, कैसे कैसे उद्भट प्रचंड पराक्रमी वहां बैठे थे, दिग्दिगंत को अपने अपने पराक्रम से अपने शौर्य से कंपित कर देने वाले, भयभीत करने वाले इंद्रजीत और रावण जैसे शूरवीर वहां बैठे थे। और फिर कहा मैं एक प्रभु का दास, मेरा पांव तो रावण की सभा में खड़ा कोई सैनिक भी हिला देता, पर आपको ऐसा लगता है कि अंगद ने अपना पांव जमाया। अंगद ने पांव नहीं, अंगद ने अपने प्रभु के नाम का भरोसा प्रतिष्ठित किया था। मेरा पांव तो कोई भी हिला देता लेकिन प्रभु के नाम का जो बल है उसे हिलाने की सामर्थ्य रावण में भी नहीं थी। अपने प्रभु के नाम के बल पर मैंने ये कार्य किया। सो सब तब प्रताप रघुराई। एक बड़ी ऊंची अवस्था जीवन में आती है विश्वास के उदीयमान होते ही, भगवान की भास्वती अनुकंपा का अनुभव होता है जब विश्वास रूपी भास्कर के उदय होते ही। तो एक बड़ी ऊंची अवस्था जीवन में आती है जिसे आप निर्भयता कहते हैं, फियरलेसनेस। ये बहुत ऊंची अवस्था है, बहुत आगे की स्थिति है जब आप बिल्कुल वस्तुतः निर्भय हो जाते हैं। तब आप वस्तुतः जीवन का आनंद लेना शुरू करते हैं। अभी तो क्या है, जीवन बोझ है, जीवन बंधन है। अभी तो क्या है, जीवन एक विचार की भीड़ है। अभी क्या है, जीवन संकल्प और विकल्प का एक द्वंद है। अभी तो यहां जन्म और मरण के इन दो स्तंभों के बीच में हानि है, लाभ है, यश है, अपयश है, भोर है, सांझ है, श्वेत है, श्याम है, विजय है, पराजय है। अभी अभी तो द्वंद से भरा यह जीवन है, कहां सुख है। आपको याद भी नहीं होगा कि कब आप इतनी गहरी नींद सोए होंगे, खूब गहरी नींद। आज जैसी जीवन शैली हो गई, द सो कॉल्ड लाइफस्टाइल ऑफ योर्स, आपको याद भी नहीं होगा आप कब गहरी नींद सोए होंगे, द साउंड स्लीप। कब आप ऐसे हंसे होंगे कि हंसते हंसते आपका पेट दुख गया हो, कब आप ऐसे हंसे होंगे आपको याद भी नहीं होगा। तो अभी कहां जीवन जीना है, ये जीवन जीना नहीं है।
अभी तो जीवन अस्त व्यस्त है, फिर एक स्थिति आती है जब जीवन मस्त होता है, अस्त व्यस्त नहीं, मस्त। ये फियरलेसनेस, ये निर्भयता, और ये आती है कैसे? जैसे जीवन में आपके विश्वास का सूर्य उदय होगा, और जैसे सूर्य उदय होने से पहले, आपने कभी सूर्य उदय से पहले का समय देखा हो? बहुत से लोग तो बेचारे देख ही नहीं पाते, सूर्य उदय से पहले का समय कहां देख पाते, कहां भोर की पहली किरण का दर्शन कर पाते हैं आप? और आजकल का तो आप लोगों का ऐसा, आप लोग इसे कल्चर कहते हैं, कल्चर का वैसे अर्थ होता है संस्कृति, आप लोगों की दृष्टि में यह संस्कृति हो सकती है, पर हमारी दृष्टि में यह एक विकृति है, संस्कृति नहीं विकृति, कि आप 3 बजे सोते हैं और फिर जाने कौन खबर नहीं आप कब जगते हैं, और फिर जगते ही सबसे पहले क्या होता है, पहले कभी होता था कराग्रे वसते लक्ष्मी, आप अपने हथेलियों का दर्शन करते थे, फिर धरती माता को प्रणाम करते थे। अभी कुछ दिन पहले मैं कहीं पर कथा कह रहा था तो एक बालक ने कहा, बोले महाराज हथेली का दर्शन तो हम अब भी करते हैं, बस हथेली के बीच में मोबाइल फोन होता है, उठते ही हम सबसे पहले हथेली का ही दर्शन करते हैं, लेकिन अभी क्या फर्क हुआ, अभी बीच में मोबाइल फोन होता है। ऐसा तो अभी तो क्या है कि, खैर ये मेरा कोई विषय नहीं है, पर प्रसंग आया है, और सबसे बड़ी बात है कि व्यासपीठ सत्य की प्रेरणा और सत्य के परिचय के लिए ही है, क्योंकि जिस भक्ति की मैं बात कर रहा हूं वो तो बहुत आगे की अवस्था है, अभी तो जीवन में सदाचार की, अभी जीवन में सद्विचार की आवश्यकता है, जो खोता जा रहा है, संस्कार खोता जा रहा है। तो जो 3 बजे सोएगा उसे भूख भी लगेगी, रात भर जो जगेगा वो व्यक्ति कुछ ना कुछ खाएगा, और हमारे शास्त्र कहते हैं कि रात को जो मध्य रात्रि का जो काल होता है उसे निशाचरी वेला कहते हैं, आसुरी वेला, मैं उस समय यदि आप कुछ खाएंगे तो आपके मन में आसुरी वृत्तियां ही जन्म लेंगी, आपकी विचारधारा विकृत हो जाएगी। आपको हो सकता है कि यू मे फाइंड इट वेरी इलॉजिकल, बट आई फाइंड इट एब्सोल्यूटली लॉजिकल, जो आप पा रहे हैं उसी से तो आपका स्थूल और सूक्ष्म शरीर बनता है, जो भोजन आप करते हैं उसका कुछ हिस्सा शरीर से बाहर कर दिया जाता है, कुछ हिस्से से आपके शरीर का निर्माण होता है, आपका स्थूल शरीर बनता है, और उसी भोजन के कुछ हिस्से से आपका सूक्ष्म शरीर बनता है, आपका मन बनता है। आप सोचिए, विचार करिए, एक सबसे बड़ी विडंबना आज ये हो गई, सबसे बड़ा दुर्भाग्य आज ये हो गया कि आज विद्यालयों में कंप्यूटर एजुकेशन इज मस्ट, बट देयर इज नो एनी प्रोविजन ऑफ मोरल एजुकेशन, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपने अपने बच्चों को आज संसार में आते ही आपने स्मार्टफोन पकड़ा दिया, लेकिन आपने अपने बच्चों को भगवान के मंदिर में जाकर प्रणाम करना और दीपक जलाना नहीं सिखाया। विचार करिए, शास्त्र